फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताती हूँ। प्लीज़ आप सब से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चोली बना ली है। ये मेरे पास टोटल 20 डबल क्रोशिया है, 5 इधर 5 इधर और 10 पीछे। अब देखिए यहाँ पर इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करना है और फिर 1 2 3 3 चैन करने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी इस तरह से, और फिर नेक्स्ट होल में एक होल में 2 बार डबल क्रोशिया और फिर से इस होल में हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। एक में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, ये हमें एक फ्रंट पोस्ट, और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2, और जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से हम नीचे से हम लूप निकाल लेंगे और ये हमारा उभरा हुआ डबल क्रोशिया नज़र आएगा, और इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर मैं जो हमारा ये थर्ड चैन है, 3 चैन बनाई थी उसमें से इस तरह स्लिप स्टिच करूँगी। ये हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएंगे। अब 1 2 3 3 चैन करनी है और सेम होल में 1 बार और डबल क्रोशिया करना है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए और एक हम बाद में यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर उसी तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। और फिर यहाँ पर देखिए जो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पर नेक्स्ट में हम 1 बार डबल क्रोशिया और जो फ्रंट पोस्ट के पहले वाला होल है इसमें मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 और सेम होल में 1 बार और। ये हमारे यहाँ पर टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट जो हमारा है उभरा हुआ डबल क्रोशिया उसके ऊपर उसी तरह से हमें फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन नज़र आएगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपने सभी राउंड कंप्लीट करके आपको, जितने राउंड में मुझे बनाने हैं उतने राउंड कंप्लीट करके मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। फ्रेंड्स, जितना घेरा मुझे चाहिए था मैंने उतना घेरा बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको थर्ड चैन में मैं इस तरह स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दूंगी। अब देखिए, अब जो हमें आगे का डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हम जितने मर्जी छोटे बड़े गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से हमें घेरा छोटा या बड़ा रखना है। अब देखिए मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए है, इसलिए मैं इतना ही घेरा रखूँगी। आगे का डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। देखिए उसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 चैन लेनी है। 6 चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेना है और यहाँ से 1 2 3 थर्ड चैन स्टिच में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर मैं 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक ये हमारा 3 की चैन का डबल क्रोशिया हो गए, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब सेम लूप में जाएंगे और फिर से 1 बार और डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमारे थर्ड स्टिचेज हो गए। अब देखिए 1 बार और ये हमारे 4 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब देखिए अब हमें यहाँ पर
जितने स्टिचेज का गैप रखना है उतने हम स्टिच छोड़ेंगे। देखिए एक दो तीन, हम फोर्थ में जाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से अपने क्रोशिया को डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। पहले तो हमने यहाँ पर थर्ड चैन में बनाया था, अब हमें थर्ड चैन में नहीं बनाना, इस तरह से यहाँ से इसके बैक साइड से जाना है, लूप लेकर दो का एक करेंगे इस तरह से। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब सेम लूप में जाएंगे, दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक दो तीन चार, फोर्थ लूप में हम जाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा और फिर हमें एक दो तीन, तीन चैन करेंगे और इस लूप में जाएंगे, दो तीन चार, ये हमारे टोटल चार डबल क्रोशिया हो गए और फिर से एक दो तीन चार, फोर्थ लूप में जाएंगे और इस तरह से मैं अपनी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं थर्ड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइंट करूँगी और यहाँ पर एक चैन लेकर धागे को मैं कट कर दूँगी। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब देखिए, अब इसमें मैं ऑरेंज कलर ऐड करूँगी। यहाँ से मैं जो ये थर्ड चैन है उसमें से इस तरह क्रोशिया हुक को डालूँगी और ऑरेंज कलर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर जॉइंट करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा बीच में यहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मैं इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसमें से मैं क्रोशिया हुक को इस तरह से निकालूँगी। एक हमारा ये तीन की चैन का डबल क्रोशिया हो गया और चार डबल क्रोशिया हमें और बनाने हैं। ये हमारे टोटल पांच डबल क्रोशिया काउंट होंगे, तीन चार पाँच। देखिए देखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगा और फिर देखिए, फिर हमें यहाँ पर जो ये इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर हमें वूल को इस तरह से पिक करना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसके यहाँ पर जाना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें यहाँ पर ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर तीन चैन लेने के बाद जो ये डबल क्रोशिया बनाया है उसमें से मैं चार बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये हमारे टोटल पांच डबल क्रोशिया काउंट होंगे। एक ये हमारा तीन की चैन का डबल क्रोशिया होगा, तीन चार पांच, और फिर से यहाँ पर इसके यहाँ पर से ऊपर जाऊंगी, यहाँ पर मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, देखने में ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब जहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दूँगी और एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करूँगी। देखिए हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें येलो कलर ऐड करूँगी। अब इसके यहाँ पर तीन चैन में मैं यहाँ पर जाकर इस तरह से येलो कलर को अटैच करूँगी और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको यहाँ से जॉइंट कर दूँगी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा ये एक सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक में क्रोशिया डालना है और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है हमें। पहले तो हम एक निकाल लेंगे और फिर एक बार और ये थर्ड, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद इस ट्रिपल क्रोशिये में इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर छः टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारा तीन की चैन का हो गया, दो ये तीन, चार, पाँच, छः, छः डबल क्रोशिया करने के बाद इसके यहाँ पर जाएंगे सेंटर में और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ से इस तरह लूप निकालेंगे। पहले हम एक धागा निकालेंगे और फिर एक बार लूप लेकर फिर यहाँ पर एक और निकालेंगे और एक बार ये हमारा तीन बार हमने इसको निकाला, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब एक दो तीन, तीन चैन करनी है और यहाँ पर इस तीन चैन में छः बार डबल क्रोशिया करना है। दो तीन, चार, पाँच, छः बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ लूप लेना है और यहाँ पर हमें जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ से लूप को इस तरह से निकालना है। एक धागा निकाल लेंगे, ये हमारा वन टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। और इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिंगल, वहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दूँगी और यहाँ पर एक चैन करके धागे को यहाँ से कट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिज़ाइन देखने में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और अब मैंने ऑरेंज कलर में नोट लगा दी है। अब मैं यहाँ पर जो लास्ट राउंड है, अभी हमें दो राउंड और देने हैं और बॉर्डर बनाना है, यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। ये जो इसके ऊपर सेंटर में यहाँ पर एक स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहाँ फिर से हमें एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बनानी है और पाँच चैन बनाने के बाद यहाँ पर जो इसका सेंटर है, ये फर्स्ट तीन की चैन है, वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन लेने के बाद
नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। हर एक राउंड में पांच चैन और फिर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको मैं जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। अब मैं ये पांच की चैन बनाई है उसमें जाऊँगी, एक बार सिंगल क्रोशिया करना है और फिर यहाँ पर एक लूप लेना है और यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से और फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट एक बार और डबल क्रोशिया और अब एक दो तीन चार, चार चैन करने के बाद यहाँ पर हमें पर्ल बनाना है। ये जो हमारे दो लूप हमें दिख रहे हैं दो डबल क्रोशिया, वहाँ से इस तरह निकालेंगे। देखिए हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, पर्ल बन जाएगा और फिर से उसी तरह से हमें इसको बनाना है जैसे एक डबल क्रोशिया फिर हाफ डबल क्रोशिया फिर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से और फिर एक सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, देखने में ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और अब नेक्स्ट चैन में जाना है। उसी तरह से हमें जैसे हमने इसमें बनाया है उसी तरह से बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक डबल हाफ क्रोशिया फिर एक डबल क्रोशिया और फिर जो डबल क्रोशिया हमें बनाना है उसके ऊपर हमें दोबारे से डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके ऊपर हमें पर्ल बनाना है, एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर से एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, देखने में ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं जो सिंगल क्रोशिया किया है वहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट कर दूँगी और यहाँ पर एक चैन करके धागे को कट कर दूंगी और इस धागे को मैं पीछे की तरफ एडजस्ट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर कुछ इस तरह से लग रही है। अब मैं आपको इसका ये बॉर्डर बनाना बताऊंगी। यहाँ पर मैं एक नोट लगा लेती हूँ और देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है नोट लगाने के बाद यहाँ पर एक बार और सिंगल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट होल में सेम होल में दो बार सिंगल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से, नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया और अब देखिए अब यहाँ पर यहाँ इसके ऊपर ली साइड हमें एक ही होल में चार बार डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन और चार। अब चार बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर एक स्किप करके नेक्स्ट में फिर से दो बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह। देखिए इस तरह से मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और मैंने ये बॉर्डर भी बना दिया है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।